तो हमने ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्वयं सेवक के नाते हम कहां खड़े हैं? अब स्वयं सेवक क्या है? सुसंस्कारित हिंदू यानी स्वयं सेवक, ऐसा हिंदू जिसके ऊपर समष्टि के संस्कार है, मैं अकेला नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, संपूर्ण समाज शरीर का मैं एक अंग मात्र हूं, वह अंगांगी भाव यह संस्कार जिसके अंदर है, ऐसे हिंदू को हम स्वयं सेवक कहते हैं। अब इस नाते मेरी कहां तक प्रगति हुई? संघ के सिद्धांतों को हमने समझ लिया, सिद्धांत पर भाषण भी दे सकते, कहीं विवाद सेमिनार हुआ तो सदन के संघ के सिद्धांतों को हम ठीक ढंग से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर हमने संघ को समझ लिया है, लेकिन अंतर्मन में स्वयं सेवकत्व कहां तक गया है, यह आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही ध्यान में आ सकता है। तो ऐसा दिखता है, संघ के बारे में हो बाहर हो, दो तरह के लोग स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। एक है पूर्ण रूपेण ध्येयवादी और एक है पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी। पूर्ण रूपेण ध्येयवादी का मतलब है कि जो केवल ध्येय को ही समर्पित है, ध्येय छोड़कर और कोई विचार उसके मन में नहीं है, स्वयं अपना विचार मन में नहीं है, जो आत्मविलोपी है, जो खुद को भूल गया है, खुद को ध्येय में समर्पित कर दिया है, विलीन कर दिया है, और इसलिए खुद का विचार ही मन में नहीं। भक्ति यह जो शब्द है दीक्षा की गई है, तो भक्ति क्या है? तो नारद ने उसकी परिभाषा की, तदर्पित अखिल आचरिता तद विस्मरणों परम व्याकुलता, सारे अपने व्यवहार उसी को अर्पण करना, और उसका यदि विस्मरण हुआ तो मन में परम व्याकुलता होना। अब ये दिखने में बड़ा विचित्र दिखता है, जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जहां दो एक दूसरे से प्यार करते हैं बिछुड़ जाते हैं, वियोग विरह होता है, तो एक दूसरे का स्मरण करते करते शोक करते व्याकुलता आती है, किंतु स्मरण करते करते व्याकुलता आती है। और नारद कहते हैं कि तद विस्मरण परम व्याकुलता, तो आदमी सोचता है कि जब विस्मरण हो गया तो व्याकुलता कैसे आएगी, जब विस्मरण ही हो जाता है तो वियोग के कारण व्याकुलता कैसे आएगी। अब नारद की विशेषता यह है, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक सूत्र बोलता हूं, इसके कारण सामने सुनने वाले के मन में क्या संदेह निर्माण होगा, क्या प्रश्न निर्माण होगा, यह अंदाजा कर लेते और उसका जवाब देते। अब ये जो कहा तो तद विस्मरण परम व्याकुलता, विस्मरण हो गया तो समथिंग मिसिंग, व्याकुलता निर्माण होना,
जिसका आज की परिभाषा में मतलब होता है कि यह जो प्रेम है वह केवल कॉन्शियस प्लेन पर नहीं है, सब कॉन्शियस प्लेन पर है, अनकॉन्शियस प्लेन पर है, अंतर मन में है, केवल बहिर्मन में नहीं है। आज के परिभाषा में हम समझ सकते। तो लोगों के मन में, सुनने वाले के मन में यह संदेह पैदा होगा, ये उन्होंने समझ लिया। उसका उत्तर दूसरे सूत्र में देते हैं, अस्ति एवं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे मन में शक पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो कहते हैं अस्ति एवं नहीं, ये ऐसा ही है। किंतु फिर नारद सोचते हैं कि सुनने वाला कहेगा कि आपने बोल दिया, नहीं ऐसा ही है, इससे क्या होता है, ऐसा कोई उदाहरण है क्या। इसलिए वो उदाहरण देते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा बोले व्रज गोपिका कथा। फिर वो सोचते हैं कि सामने वाला आदमी मन में प्रश्न करेगा कि व्रज गोपिकाओं के प्रेम की विशेषता क्या है। उत्तर में कहते हैं, नास्ति तत्र महात्म्य विस्मृत्य पवाद दोषा। गोपिकाओं का प्रेम था उसमें ये दोष नहीं था कि जिस भगवान कृष्ण के साथ हम प्रेम कर रहे वो मनुष्य नहीं है, वो दिव्य पुरुष है। इस बात को वो भूल गए थी, ऐसा नहीं है। उनको स्मरण था कि ये परमेश्वरी अवतार है, ये समझकर वो प्रेम करती थी। केवल सामान्य प्रेमी इस नाते प्रेम नहीं करती थी, ये उसकी विशेषता थी। और यदि सामान्य प्रेमी के नाते प्रेम करते तो फिर हम क्या बोलते, अन्यथा जारा नाम। वो जारा का मतलब होता है ऑर्डिनरी लवर बिलवेड, सामान्य प्रेमी सामान्य प्रेमिका। तो सामान्य प्रेमी और प्रेमिका का ये संबंध हो जाता। किंतु विशेषता थी कि उसको सामान्य प्रेमी नहीं समझते थे, उसको दिव्य पुरुष समझकर प्रेम था, केवल सामान्य मनुष्य समझकर प्रेम नहीं था। तो फिर नारद के मन में आता है कि दोनों में अंतर क्या है, सामान्य प्रियकर और प्रेमिका इनका प्रेम, भगवान कृष्ण और गोपी इनका प्रेम, आखिर अंतर क्या है। तो कहते हैं कि सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम में नास्ति तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम्। नारद भक्ति सूत्र का जो क्रक्स है वो ये है कि नास्ति तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम्। सामान्य प्रेमी और प्रेमिका इनके प्रेम में तत् सुख सुखित्वम् नहीं रहता। तत् सुख सुखित्वम् का मतलब क्या है, कि उसके सुख में मेरा सुख है, ये नहीं रहता। प्रेम है, जिस व्यक्ति का प्रेम है वह व्यक्ति मेरे सुख समाधान का साधन है, मेरे सुख समाधान का माध्यम है, यह अंतर्मन बताता है। तो मेरे सुख का साधन इस नाते मैं दूसरे व्यक्ति का प्रेम करता हूं, यह सर्वसामान्य। इसलिए याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा कि नमा आरे जाया जाया या कामाय आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हम कहते हैं हमारा पत्नी से प्यार है, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा खुद से ही प्यार है, लेकिन तुम्हारे खुद के सुख का एक साधन इस नाते पत्नी है, इसलिए तुम पत्नी से प्यार कर रहे हो। वास्तव में तुम्हारा प्यार पत्नी से नहीं है, खुद से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार पुत्रों से नहीं, तुम्हारे सुख के साधन यानी तुम्हारे पुत्र है, तो तुम्हारा खुद से ही प्यार है, अपने सुख के साधन इस नाते पुत्रों से प्रेम। नवा आरे जाया जाया या कामाय आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। नवा आरे पुत्रा पुत्रा नाम कामाय आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवती। दो तरह का है, एक कि मेरा खुद से ही प्रेम है,
मेरे सुख के साधन के नाते मैं अन्य लोगों से प्रेम करता हूं, और दूसरा कि मैं खुद को भूल गया हूं। जो प्रेम का विषय है, व्यक्ति हो, ध्येय हो, संगठन हो, उसी के साथ मैं एक रूप हो गया हूं। मेरा आत्म विलोप हो गया है, मैं नाम की कोई वस्तु नहीं। ये दो अलग अलग, तो ध्येय के सुख में मेरा सुख, संगठन के सुख में मेरा सुख, मेरा अलग से कोई व्यक्तिगत सुख नहीं। यह जो आत्म विलोपी वृत्ति है, यह ध्येयवाद। और फिर ऐसा व्यक्ति अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं चाहता। आदर्श कार्यकर्ता की मनस्थिति क्या होनी चाहिए, इसके विषय में परम पूजनीय गुरु जी एक इंग्लिश कविता उद्धृत करते थे, अलेक्जेंडर पोप, यह कवि का नाम, कविता का नाम है ओडे टू सॉलिट्यूड। उसके अंतिम स्टैंजा में वो कहते हैं, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाय, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, मुझे कोई न देखे, कोई मुझे न जाने, ऐसे अज्ञातवास में मुझे रहने दो, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई। इस तरह से मेरा मृत्यु हो, कोई मेरे मृत्यु पर शोक ही न करे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं दुनिया से खिसक जाऊं। खिसक जाने का मतलब है किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं दुनिया से चला गया। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाय, उधर वो गाड़ते ही ना, तो जहां गाड़ते हैं वहां पत्थर रखते हैं कि यहां किसको गाड़ा गया, तो बोले मुझे कहां गाड़ा गया है ये बताने वाला पत्थर भी वहां नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से मुझे दुनिया भूल जाए। गुरु जी कहते थे कि ये आत्म विलोप का आदर्श। आत्म नाम की कोई चीज नहीं, अहम नाम की कोई चीज नहीं, ध्येय केंद्रित, स्व केंद्रित नहीं, आत्म केंद्रित नहीं, पूरी तरह से स्वयं को भूल जाना। अब व्यक्तिवाद इससे एकदम भिन्न है। व्यक्तिवाद में आदमी केवल खुद की फिक्र करता है, मैं, मेरा सुख, मेरा बड़प्पन, मेरी पोजीशन, मेरी प्रतिष्ठा, स्टेटस कॉन्शियसनेस, अपने प्रतिष्ठा का ही हमेशा ध्यान रखना। और इस दृष्टि से व्यक्तिवादी पुरुष की, व्यक्ति की मनस्थिति एकदम भिन्न होती। ध्येयवादी की भिन्न है, व्यक्तिवादी की भिन्न है। इसके विषय में एक उदाहरण हमेशा हम देते हैं। ग्रीक पुराण में एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है नार्सिसस। नार्सिसस यह 17-18-19 साल का लड़का है, जितने में सुंदर है, सुंदर यानी हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल, ब्यूटी मालूम होता है कि उन दिनों में ग्रीस में आईने नहीं हो गए, इसलिए उसने अपना स्वरूप कभी देखा ही नहीं। एक दिन वो एक निर्जर क्रॉस कर रहा था लकड़ी की पटरी पर से, नीचे का पानी शांत था, स्थिर था, पटरी क्रॉस करते करते उसने नीचे पानी में देखा तो अपना चेहरा देखा, तो मैंने कहा कि ही वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर था, अपना चेहरा देखा, अपने चेहरे पर आकृष्ट हो गया, कितना सुंदर ये चेहरा है।
इस चेहरे से मेरा मिलन होना चाहिए, ऐसी इच्छा उसके मन में आई। ये कैसे होगा? तो वो खुद के साथ मिलन करना, यही एक तमन्ना उसके मन में थी, और वो हो नहीं सकता था, इसलिए वो यही इच्छा रखते 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 दुर्बल हो गया। ही पाइंड अवे एंड डाइड। यही इच्छा रखते रखते वो दुर्बल हो गया और मर गया। तो अपने ऊपर ही प्रेम, इसको नार्सिसस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आज के सार्वजनिक जीवन में नार्सिसस कॉम्प्लेक्स का बोलबाला है। मैं हूं, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हर दिन मैं अखबार खोलता हूं, मेरे भाषण की रिपोर्ट आई कि नहीं, मेरी फोटो आई कि नहीं, मैंने कई भाषण दिया, मैं कहता हूं मेरा भाषण टेप करो, फिर टेप अपनी ही आवाज सुनने में मुझे आनंद आता है, अपनी फोटो देखने में मुझे आनंद आता है। हम कहीं जाते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, मेरा सीना तन जाता है, मैं भी कोई हूं, हजारों लोग मेरे जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की माला डाल रहे हैं, माने सारे विचार का भावना का केंद्र मैं, अहम। अब ऐसा जो व्यक्तिवादी होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि वह अपने को तो बड़ा बना सकते, खुद को कैसे बड़ा बनाना, खुद की प्रतिमा कैसे बड़ी करना, इमेज बिल्डिंग कैसे करना, इसके निश्चित मार्ग है, बताए गए हैं, उन मार्गों पर जाने से ये सारा हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति संगठन नहीं खड़ा कर सकता, ध्येय की सेवा नहीं कर सकता, खुद की ही सेवा कर सकता। तो हमने तय करना चाहिए कि हमने व्यक्तिवादी बनना है या ध्येयवादी बनना है। ध्येयवादी बनना है वो आत्मविलोप रहेगा, ध्येय में ही संपूर्ण समर्पण। वो नहीं है तो जैसे आज सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने को बड़ा बनाने के लिए पब्लिसिटी अपने कराता है, अपने तरह तरह से तरकीब, तरह तरह से हथकंडे अपनाता है, बड़ा होना ये उसके भी रास्ते है। तो पहला तो हमारे सामने चॉइस ये है कि हमने ध्येयवादी बनना है या व्यक्तिवादी बनना है। तो इतने दिन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहवास के कारण, संबंध के कारण, इतना तो हर एक के मन में है कि हमने ध्येयवादी बनना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए, इस सबके मन में। किंतु आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। मनुष्य दूसरे को धोखा दे सकता है, स्वयं अपने को भी धोखा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना आसान है कौन ध्येयवादी है, ऐसे व्यक्ति को पहचानना आसान है जो कौन व्यक्तिवादी है। क्योंकि बीच में की एक कैटेगरी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन। मुझे स्मरण होता है कि मैं जब इंटेक में था, मैं कांग्रेस में ही था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला, होम मिनिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये हमसे बच्चे के जैसा प्यार करते थे। मैं संघ का प्रचारक हूं जानते थे, वो कहते भी थे कि आदमी विश्वासघात नहीं करेगा, संघ का प्रचारक है, अपने से मतभेद हो जाएगा, त्याग पत्र देकर चला जाएगा, लेकिन अपने कोई सीक्रेट डायवर्ज नहीं करेगा। विश्वास था, बच्चे के जैसा प्रेम करते थे। तो उनके साथ बहुत संबंध आने के बाद एक दिन मैंने माननीय भैया जी दाने को कहा, वो सरकार बात है उस समय, मैंने कहा भैया जी आप कुछ भी कहिए, द्वारका प्रसाद मिश्र पॉलिटिक्स में है, डिप्लोमेसी है,
चिकनबाजी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन तो एक बात मुझे लगती है कि कुछ भी हो तो भी मिश्र जी 100% हिंदू है, 100% हिंदू है, ऐसा मुझे लगता है। अब भैया जी दानू को आपने से कई लोगों ने देखा भी नहीं, उनकी एक स्टाइल थी, शैली थी, और उनकी विशेषता थी कि उनका मिस्चिवस स्माइल, स्माइल माने स्मित हास्य। मिस्चिवस के लिए हिंदी में क्या कहा जाए मैं जानता नहीं, माने जिसमें मिस्चिफ थी, मिस्चिवस स्माइल। तो जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, मिश्र जी 100% हिंदू है, तो मिस्चिवस स्माइल के साथ भैया जी ने कहा हाँ ठीक तुम्हारी बात, मैंने कहा मेरी बात ठीक है तो आप हंस क्यों रहे, आपका स्मित हास्य तो मिस्चिवस है। बोले ये भी तुम्हारी बात ठीक, तुमने कहा ऐसा क्यों। तो भैया जी ने कहा अरे भाई बोले तुम पुराने प्रचारक हो, मनुष्य की पहचान करना हो, इतने दिन तुमने काम किया है तो तुम्हारी पहचान मिश्र जी की गलत होगी, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं। तो तुमने जो पहचान लिया तुम्हारी पहचान सही है, वो 100% हिंदू है, इतना ही है। वो ओवर एंड अबाउट दैट ही समथिंग एल्स, 100% हिंदू है, इसके अलावा भी वो और कुछ है, 10% हो, 20% हो, 25% हो, 50% हो, 60% हो, 80% हो, क्योंकि ओवर एंड अबाउ 100% वो कुछ है। तुमने का मतलब क्या है ओवर एंड अबाउ 100% क्या है, वो द्वारका प्रसाद मिश्र है। अब अर्थ समझ लीजिए, तो वो 100% हिंदू है, किंतु 100% हिंदू होने के बाद भी ओवर एंड अबाउ दैट 60%, 70%, 80% वो और भी कुछ है, और क्या है तो द्वारका प्रसाद मिश्र है, माने व्यक्तिवादी भी है, ध्येयवादी भी है, व्यक्तिवादी भी। अब ये जो बीच में भी श्रेणी है, ध्येयवादी नहीं क्या है लेकिन व्यक्तिवादी भी, ऐसे व्यक्ति को पहचानना कठिन हो जाता है, और हम स्वयं इस पोजिशन है स्वयं अपने पर निगरानी रखना यह भी कठिन हो जाता है। यह निगरानी का विषय है, जो ध्येयवादी व्यक्ति फिसल जाता है वो जानबूझकर नहीं फिसलता, उसको पता ही नहीं चलता कि हम फिसल रहे हैं, वो तो यही कहता है कि मैं ध्येयवादी हूं, मैं ध्येयवादी हूं, मैं ध्येय समर्पित हूं, कहते कहते वो समझता है कि मैं जो बोलता हूं वही ध्येय है। धीरे धीरे आत्म केंद्रित होने लगता है, ध्येयवाद भी है, आत्म केंद्रितता भी है, स्व केंद्रितता भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। धीरे धीरे ध्येयवाद की मात्रा कम होते जाती है, व्यक्तिवादों की मात्रा बढ़ते जाती है, उसके साथ अहंकार बढ़ते जाता है, मैं हूं, मैंने काम खड़ा किया है, मैंने जब काम शुरू किया इनमें से तो कोई नहीं था, बहुत कठिन परिस्थितियों से टक्कर लेते हुए मैंने काम खड़ा किया है, ये सारा जो काम है मेरी देन है, मैं हूं, और इसके कारण चार लोगों के साथ बराबरी से बातचीत करना भूल जाता है, अहंकार की बात आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लोगों के साथ बात करते समय एक तुच्छता का भाव प्रकट होता है, धीरे धीरे लोग उससे दूर हो जाते हैं, वो मन में खुद को भी धोखा देता है कि मैं तो ध्येयवादी हूं, तो मैं कर रहा हूं सब ध्येय के लिए, वास्तव में ध्येयवाद समाप्त तो होता है, व्यक्तिवाद आ जाता है, स्टेटस कॉन्शियसनेस आ जाता है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा स्थान, ये सारी चीजें आती है, और उसके कारण संगठन के लिए वह एक बोझ बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है।
ये जो अपना स्वयं का खलन होता है, अधपतन होता है, आत्मा निरीक्षण करने की आवश्यकता है। हम दूसरे का निरीक्षण करते हैं, दूसरे में क्या दोष आ रहे हैं हम देखते हैं, लेकिन मैं ध्येयवादी हूं ऐसा कहते 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 मेरे मन में स्वयं क्या परिवर्तन होता है यह मुझे दिखता है। स्वयं अपने मन में कैसा परिवर्तन होता है, जैसे मैं ध्येयवादी इस नाते काम कर रहा हूं, जीवन शैली सामान्य है, चार लोगों के जैसे कपड़े, चार लोगों के जैसे रहन सहन है, सामान्य कार्यकर्ता के घर में मैं टिकता हूं, घटी चप्पल पहनकर मैं गांव में शाखा चलाने के लिए जा सकता हूं, सारा मैं कर रहा हूं, फिर किन्हीं कारणों से मुझे अनायास कुछ सुविधाएं प्राप्त होती। जैसे कांग्रेस जब शासन में आई तो महात्मा जी के दो प्रवाह थे, एक कांग्रेस का प्रवाह, एक सर्वोदय का प्रवाह। तो कांग्रेस शासन में आने के बाद उन्होंने सर्वोदय के लोगों को कुछ सुख सुविधा फैसिलिटीज देना शुरू किया। आचार्य दादा धर्माधिकारी कहते थे कि हमको जब सुख सुविधाएं ऑफर की गई तो हमने विचार किया भाई ये तो अच्छा है, हमारे सर्वोदय समाज के पास अच्छे कार्यकर्ता है, जानमारी करने वाले कार्यकर्ता है, फटी चप्पल पहनकर काम करने वाले कार्यकर्ता है, साधन नहीं है। अब यदि सरकार के द्वारा साधन प्राप्त होते तो जितने ज्यादा साधन प्राप्त हो गए उतना हमारा काम अधिक बढ़ेगा, ऐसा सोचकर हमने सरकार के फैसिलिटीज सुख सुविधा लेना शुरू किया। उन्होंने हमें कार्यालय की जगह दे दी, जमीन दे दी, मोटरें दे दी, जाने आने की सुविधा, फ्री पासेस दे दिए, तरह तरह की सुविधाएं दी। बोले हमने सोचा तो पहले से हम काम बढ़ा ही रहे थे सर्वोदय का, अब तो ज्यादा साधन आने के कारण ज्यादा काम बढ़ेगा, लेकिन बोले अब पश्चाताप ये हो रहा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं आ गई, साधन आ गए, तो उनका उपयोग करते हुए काम बढ़ाने की बात तो दूर, मैं पैदल जाकर काम करता था, मेरे पास मोटर आ गई, मोटर आने के कारण ज्यादा मैं काम करूं ये तो बात अलग रही, मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। दादा धर्माधिकारी कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन में परिवर्तन आ गया, और जो पहले कई किलोमीटर पैदल जाते थे, साइकिल पर जाते थे, अब मोटर की इतनी आदत हो गई, जब मोटर ली उस समय मोटर के बारे में आसक्ति नहीं थी, विचार ये था कि मैंने तो मांगा नहीं था, दिया है तो इसका उपयोग करने में आपत्ति क्या है, लेकिन एक बार मोटर की आदत हो गई तो फिर ये हुआ कि आधा किलोमीटर पर भी सभा है, मोटर नहीं आई, मैं कहता हूं मोटर नहीं आई मैं नहीं जाऊंगा, माने मेरे मन में परिवर्तन हुआ, मेरी आदतें बिगड़ गई। और इसके कारण दादा कहते थे कि हमारा सर्वोदय संघ अभी नीचे चला गया है। खुद के मन में परिवर्तन माने साधन बढ़ गए, साधना घट गई, और साधना घट रही है ये ख्याल में नहीं आता, पहले यही लगता है कि जब हमने न मांगते हुए मोटर मिली है उपयोग करने में आपत्ति क्या है, होते 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 मोटर का ऐसा चस्का लग जाता है बगैर मोटर के वो 2 किलोमीटर जा नहीं सकता। खुद के मन में परिवर्तन, तो अपने ही मन में परिवर्तन जो होता है उसके बारे में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि ध्येयवादी कौन है, व्यक्तिवादी कौन है, ये पहचानना आसान, लेकिन ध्येयवाद और व्यक्तिवाद धीरे धीरे दोनों का मिश्रण एक ही मन में होता है, और खुद को पता न चलते हुए
साधनावादी व्यक्ति साधन के प्रलोभन में आ जाता है, ध्येयवादी व्यक्ति अहंकार, लोगों के साथ तुच्छता का व्यवहार, मैं हूं इस भावना में आ जाता है। और ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है, खुद का अधपतन, खुद का स्खलन, खुद का डिग्रेडेशन, इतना न समझते हुए, खुद को पता न चलते हुए होता है। तो हम अलर्ट न रहे, सावधान न रहे खुद के बारे में, शत्रुओं के बारे में सावधानी रखना अलग बात है। सबसे बड़ा शत्रु हम ही अपने हैं। आत्मा एव इहात्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुर आत्मनः, सबसे श्रेष्ठ मित्र हमारे हम हैं। वैसे सबसे कट्टर दुश्मन हमारे हम ही है। तो हम स्वयं के कट्टर दुश्मन हो सकते हैं। आत्मनिरीक्षण सतत करने की आवश्यकता है। कभी कभी आखिर तक आदमी ठीक चलता है, बहुत साल तक ठीक चलने के कारण वो भी नहीं समझता कि मेरा स्खलन हो सकता है। स्खलन यानी डिग्रेडेशन, अधपतन। लोग भी नहीं समझते कि अब क्या होगा, अब तो इतने साल काम किया। लेकिन बहुत साल ध्येयवादी के रूप में बहुत अच्छा काम करने के बाद भी स्खलन की, अधपतन की आशंका बनी रहती। परम पूजनीय ने गुरु जी कहते थे कि आदमी जब काम शुरू करता है पहले उपेक्षा होती है, उसके कारण कई लोग काम छोड़ देते हैं। फिर थोड़ा काम बढ़ता है, उपहास होता है, वो बर्दाश्त न होने के कारण भी कुछ लोग काम छोड़ देते हैं। फिर और भी काम बढ़ता है तो विरोध होता है, विरोध के डर के कारण कुछ लोग काम छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लोग आगे काम चलाते ही है। तो ये सारा बर्दाश्त करते हुए जो काम करते हैं, जिन्होंने काम छोड़ना वो बीच में काम छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उपेक्षा, उपास, विरोध, सारा बर्दाश्त करते हुए जो काम करते हैं, ये जब तक चल रहा है तब तक ऐसे ध्येयवादी व्यक्ति के नीचे जाने की संभावना नहीं रहती। विरोध हो रहा है, विरोध का मुकाबला कर रहा है, ऐसी अवस्था में उसका अधपतन होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जब विरोध पर मात करता है और विरोध पर मात करने के बाद ऐसा लगता है, गुरु जी के शब्द थे कि सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड, कि मैं अब कहीं ना कहीं पहुंच गया हूं, ऐसी भावना जब मन में आती है, विरोधकों पर मात करता है और फिर विजय होता है, फिर मन में भावना आती है कि सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड, अब मैं कहीं ना कहीं पहुंच गया हूं, उसके बाद एक संभावना निर्माण होती है कि शायद वो अधपतन की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं, वो ध्येयवादी के नाते भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अधपतन की संभावना तब तक नहीं रहती जब तक विरोध पर मात नहीं करता। किंतु जब विरोध पर मात किया है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड आ गया है, मैं कहीं ना कहीं पहुंच गया हूं ऐसा जब लगता है, फिर उसके मन में कुछ आत्म केंद्रितता, कुछ सुख विलास की इच्छाएं, जो शारीरिक सुख अभी तक हमने खुद को नकारा था, उसके तरफ ध्यान देने की इच्छा तब शुरू होता है। तो इसके कारण अपने यहां कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम मत दीजिए,
मृत्यु के बाद ही कहिए कि वो आदमी अच्छा था, क्योंकि आखिर तक स्खलन होने की संभावना रहती है। तो खुद के बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी दूसरे ढंग से ये बात कही थी। धर्मांतरण के पूर्व एक दिन नागपुर के श्याम होटल में अंबेडकर जी अपने 40-45 लोगों के साथ दिन भर बैठे थे। उनको पता था कि ज्यादा दिन उन्होंने दुनिया में रहना नहीं, तो अपने जितने विचार है वो सब अपने साथियों को बताना, टू शेयर द माइंड, अपना मन लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा थी। तो दिल खोलकर बात चल रही थी। एक ने पूछा, बोले बाबा हम देखते हैं कुछ संस्थाएं ऊपर जा रही, कुछ संस्थाएं नीचे जा रही। ऊपर एक संस्था जा रही ये भी हमने देखा है, जो ऊपर गई संस्थाएं है वो नीचे जाती ये भी देखा है। तो संगठन ऊपर कैसे जाता है नीचे कैसे जाता है, इसके बारे में। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई इसके बारे में मैं क्या जवाब दूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 2000 साल के पूर्व भगवान बुद्ध ने दिया, क्योंकि उन्होंने बुद्ध संघ चलाना था, बुद्ध संघ का उनका अनुभव था। बोले 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। क्या है उत्तर? चलो, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि जहां उपेक्षा है वहां संगठन बढ़ते ही जाता है, और जहां उपेक्षा नहीं है वहां संगठन घटते जाता है। तो हम सब लोगों को ऐसा लगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि उपेक्षा में उदासीनता, तो जहां उदासीनता है वहां काम बढ़ेगा, जहां उदासीनता नहीं है वहां काम घटेगा, ये तो उल्टा दिखता है। तो सबको लगा कि बोलने में कुछ स्लिप ऑफ टन, कुछ जबान की गलती हो गई। तो समझ गए थे, उन्होंने जानबूझकर बोला था, मुझे तुम सब लोग समझ रहे हो कि मेरा स्लिप ऑफ टन नहीं। जहां उपेक्षा शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने टेक्निकल अर्थ में किया। टेक्निकल अर्थ क्या? उन्होंने यही प्रोसेस बताई जैसे पनपूज ने गुरु जी ने बताई थी कि पहले उपेक्षा रहती है, फिर उपास रहता है, फिर विरोध रहता है, और यह सारा करते करते फिर बाबा साहब ने कहा कि अब ऐसा क्षण आता है कि उपेक्षा उपास विरोध तीनों पे क्रॉस करते हुए अब यशो मंदिर का शिखर दिखाई देने लगता है। तो अब हम यश के मंदिर की तरफ अब पहुंच रहे हैं। ऐसा क्षण जब आता है, यशो मंदिर का शिखर जब दिखाई देने लगता है, तो बाबा साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं के मन में दिमाग में परिवर्तन होता है। तब तक तो ध्येयवादी होकर काम किया, आत्मसमर्पित होकर काम किया, स्वयं अपने को बर्बाद करते हुए काम किया, लेकिन जब यश का शिखर दिखता है तो फिर एक मन में परिवर्तन आता है और सब सोचने लगते हैं कि यह जो प्राप्त होने वाला यश है इसमें मेरा क्रेडिट, उसका भी एक शेयर है। ये सारा काम जो सफलता पूर्वक हो रहा इसका श्रेय कुछ मेरा भी है। तो उन्होंने कहा क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग, ये उनके शब्द थे, क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग, जो काम हो रहा सफलता पूर्वक तो इस सफलता में मेरे भी क्रेडिट का शेयर है, ये दिखाने की सर्वसाधारण प्रवृत्ति होती है। तो ये सबके मन में आती है और सभी लोग दौड़ते हैं यह दिखाने के लिए कि मेरे काम का क्रेडिट उसका शेयर विश्व में ज्यादा है। तो उस समय सारे लोग जब क्रेडिट शेयरिंग के लिए दौड़ते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, इसके कारण सफलता है, ऐसा क्रेडिट लेने की होड़ जब लोगों में लगती है, उस समय जो प्रमुख लोग है, पायोनियर है,
प्राथमिक कार्यकर्ता है, वो भी यदि इस स्पर्धा में दौड़ने लगे एनर्जी शेयरिंग के, तो मैंने कितना काम किया, तो बोले वो संस्था समाप्त हो गई। सारे लोग क्रेडिट शेयरिंग के लिए दौड़ रहे, उसमें आपत्ति नहीं, वो होता ही है, मन में परिवर्तन सबके होता है, लेकिन जो प्रमुख लोग है, कार्यकर्ता है, उनके मन में भी यदि क्रेडिट शेयरिंग की इच्छा आ गई और वो क्रेडिट लेने के लिए दौड़ने लगे, तब तो उस संस्था का कोई भविष्य नहीं। लेकिन इस स्थिति में प्रमुख पायोनियर प्राथमिक कार्यकर्ताओं ने यदि क्रेडिट के बारे में उपेक्षा बुद्धि दिखाई कि क्रेडिट किसको मिलता है ये कोई फिक्र नहीं है, उपेक्षा है उसकी, काम बढ़ना चाहिए, संगठन बढ़ना चाहिए, ध्येय की ओर हमें बढ़ना चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलता है या नहीं इसके बारे में मेरे मन में उपेक्षा रहे। इस तांत्रिक टेक्निकल अर्थ में भगवान बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया। तो आखिरी क्षण तक व्यक्तिवाद नहीं, स्वयं अपने ऊपर निगरानी, सावधानी, मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है इसकी जानकारी, और इस दृष्टि से जैसे बाबा साहब ने कहा कि क्रेडिट लेने के लिए नहीं उसकी उपेक्षा, और केवल ध्येय का ही विचार, अपनी प्रतिष्ठा का विचार नहीं, और विरोध पर मात करते हुए जब कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उस समय भी सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड, मैं अब कहीं ना कहीं पहुंच गया हूं, अब थोड़ा आराम करने में कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं कि रेस्ट ऑन द पास्ट लॉरेल्स, अभी तक जो काम किया फिर उसी में जरा संतोष मानना, फिर लोगों को बताना हमने ये किया वो किया, उसी में आनंद मनाना, और फिर थोड़ा आराम करना, थोड़ा सुख की ओर बढ़ना, सुविधा की ओर बढ़ना, तो सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड न आने देते हुए जैसे पहले से काम करते थे वैसे ही काम करते रहना। साधन विरहित अवस्था में फटी चप्पल से चलते थे, साधन बढ़े तो भी अपनी आदतें नहीं बिगड़ने देना, साधना को कम नहीं होने देना, साधना की आदत नहीं कम होने देना, और जो साधन आते हैं उसके लिए इतनी आसक्ति निर्माण न होना कि जिसके कारण हमारी साधना का, तो हम स्वयं अपने ऊपर निगरानी रखेंगे तो हमारा स्वयं सेवकत्व अक्षुण्य रह सकता है, और हम स्वयं अपने ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे तो मनुष्य का मानस शास्त्र है कि अच्छा आदमी धीरे 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 खराब होता है, ध्येयवादी धीरे धीरे स्वयं अपने को पता न चलते हुए और आत्म केंद्रित व्यक्तिवादी होता है। तो हम ध्येयवादी है, तृतीय वर्ष में आए तो स्पष्ट है कि हम ध्येयवादी है, 100% ध्येयवादी, 100% ध्येयवादी, सभी बातों का मुकाबला करते हुए हम संघ कार्य को आगे ले जा रहे, हमने प्रण किया है कि संघ कार्य के प्रति ही आत्मसमर्पित रहेंगे, क्योंकि इस प्रण को लेकर जब हम आगे का जीवन बिताएंगे तो जैसे बाह्य परिस्थिति पर निगरानी रखना है, खुद अपने पर निगरानी रखनी है, और जो स्वयं को ठीक रखता है वो दुनिया को ठीक रख सकता है, तो इसी दृष्टि से हम अपने ऊपर निगरानी रखें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।